नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। आज हम चर्चा करेंगे मदर्स डे के विषय में। माँ दुनिया के हर बच्चे के लिए सबसे खास, सबसे प्यारा रिश्ता होता है। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं होते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है। उस माँ को सम्मानित करने के लिए मई माह के दूसरे रविवार को विशेष दिवस मनाया जाता है। अलग अलग देशों में इस दिन को मनाने की अलग अलग कहानी है, लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्यों मनाया जाता है मदर्स डे। मातृ दिवस मनाने का सुझाव सर्वप्रथम 1872 में जूलिया वार्ड हार्वे द्वारा दिया गया। ग्राफ्टन वेस्ट वर्जीनिया में एना जार्विस द्वारा समस्त माताओं और उनके गौरवमय मातृत्व के लिए तथा विशेष रूप से पारिवारिक और उनके परस्पर संबंधों को सम्मान देने के लिए आरंभ किया गया था। एना जार्विस एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्हें यूएस में मदर्स डे के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें मदर ऑफ मदर्स डे भी कहा जाता है। दूसरा नाम इस पंक्ति में जूलिया वार्ड हार्वे का आता है, जो कि एक लेखिका व कार्यकर्ता थी। 1870 में इन्होंने मदर्स डे प्रोक्लेमेशन लिखा, जिसे विश्व शांति के लिए बढ़ावा देने के लिए माताओं को एकजुट होने की बात कही गई थी। इन्होंने ही सर्वप्रथम इस दिवस को मनाने का सुझाव दिया था। इन्होंने माताओं को सम्मान दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की, विवाह तक नहीं किया। इनको इसको मनाने की प्रेरणा इनकी अपनी माँ से मिली। जार्विस ने माना, माँ बच्चों के लिए कई बलिदान देती है, इसलिए इनका सम्मान होना चाहिए। सन 1912 में एना जार्विस ने सेकेंड संडे इन मई फॉर मदर्स डे को ट्रेडमार्क बनाया और इंटरनेशनल एसोसिएशन का गठन किया। मातृत्व दिवस के इतिहास के विषय में चर्चा करें तो कुछ विद्वानों का दावा है कि माँ के प्रति सम्मान यानी माँ की पूजा का रिवाज पुराने ग्रीस से आरंभ हुआ। कहा जाता है कि स्कम्बले ग्रीक देवताओं की माँ थी, उनके सम्मान में यह दिन मनाया जाता था। इस दिन त्योहार की तरह मनाने की प्रथा थी। एशिया माइनर के आसपास और साथ ही साथ रोम में भी बसंत के आसपास इसे 15 मार्च से 18 मार्च तक मनाया जाता था। अलग अलग देशों में इसे मनाने की परंपराएं भिन्न हैं। जैसे यूरोप और ब्रिटेन में माँ के प्रति सम्मान दर्शाने की कई परंपराएं प्रचलित है। उसी के अंतर्गत एक खास रविवार को माताओं व मातृत्व को सम्मान किया जाता है, जिसे मदरिंग संडे भी कहते हैं। ये संडे कैथोलिक कैलेंडर का एक हिस्सा है। लेट में चौथे रविवार को वर्जिन मैरी और मदर चर्च को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। परंपरा अनुसार इस दिन प्रतिक्रियात्मक उपहार देने की परंपरा है। बाद में तारीखें बदलती गईं। विभिन्न देशों में प्रचलित धर्मों की देवी के जन्मदिन या पुण्य दिवस को इस रूप में मनाया जाने लगा। जैसे कि जापान में मातृ दिवस शोवा अवधि के दौरान महारानी कोजुन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता था। आजकल बच्चे इसे अपनी माँ के लिए मनाते हैं तथा गुलनार व गुलाब के फूल उपहार के रूप में देते हैं। इस्लामिक देशों की बात की जाए तो वहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा के जन्मदिन के रूप में इस दिन को मनाने की परंपरा तथा भारत में इसे कस्तूरबा गांधी के सम्मान में मनाने की परंपरा है। आधिकारिक मदर्स डे के विषय में चर्चा करें तो अमेरिका में सन 1908 में ग्राफ्टन की एक चर्च में पहला आधिकारिक मदर्स डे मनाया गया। फिर 9 मई 1914 को अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने एक लॉ पास किया, जिसके अनुसार मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाएगा। वर्तमान की बात की जाए तो अब सभी देशों में मदर्स डे मई के दूसरे रविवार को ही मनाया जाता है। मदर्स डे के विषय में आपको हमारी यह विस्तृत जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।